Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। तो सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस और मार्वल की अपकमिंग सीरीज लोकी सीजन 2 से लेटे काफी कमाल के अपडेट के बारे में। सीजन 1 बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसमें कि हमें मल्टीवर्स देखने को मिला, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ट्रेवलिंग देखने को मिली और एंडिंग में विलन देखने को मिला जो कि आने वाली एवेंजर्स मूवी का मेन विलन होने वाला है, यानी कि कैंग डायनेस्टी। अब सीजन 2 से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं आ रहे थे काफी टाइम से और आप सब भी परेशान होंगे। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे अपडेट जिनको और आप सुनकर हैरान होने वाले और शायद मे भी आप लोकी 2 के लिए एक्साइटेड हो जाओ बहुत ही ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी इंट्रो के पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है टाइमलाइन अपडेट। अब लोकी सीजन 2 की जो टाइमलाइन होने वाली है वो होने वाली है 1970 की दशक की। जी हाँ, अब ये पॉइंट कहीं ना कहीं सच भी होता है क्योंकि अभी हाल ही में लोकी सीजन 2 की जो सेट इमेजेस आई थी वो कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि ये 1970 का टाइम का था होने वाला है। इस मूवी में ऑल्टरनेट टाइमलाइन तो देखने को मिलेगी, टाइम ट्रेवलिंग तो देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल एपिसोड में 1970 के दशक का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी कार्स, कपड़े, मैकडोनल्ड तक आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ये सेट इमेजेस भी कंफर्म करती हैं और जो पहला पॉइंट आया तो मुझे लगता है कि शायद पहला पॉइंट कहीं ना कहीं कंफर्म होता ही है। चलिए बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ रिटर्न हो रहे हैं एज थॉर के लिए। जी हाँ, आपने सीजन 1 में देखा होगा एक फ्रॉग यानी कि एक मेंढक जो कि थॉर था हमारा, जो कि एक जार में बंद था। तो अब उसका तो कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी छोटा सा रेफरेंस देखने को मिला कि भाई कॉमिक बुक एक्यूरेट हमें चीजें देखने को मिल रही हैं एमसीयू की लाइव एक्शन सीरीज में। और अब सीजन 2 में ये अपडेट आ रहा है पॉइंट नंबर जो हमारा 2 इम्पोर्टेंट, कि आपको क्रिस हेम्सवर्थ एज हिमसेल्फ वॉइस देंगे फ्रॉग की। जी, और बाद में क्या होगा कि लोकी को जब थॉर की जरूरत पड़ेगी तो वो फ्रॉग को एक अपनी मैजिकल पावर यूज करके थॉर बना देगा, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मिलकर लड़ेंगे एक साथ। पर यहाँ पे थॉर को ये नहीं पता होगा कि अर्थ 616 में उसके साथ क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है सीन। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में, जो कि है कैंग से रिलेटिव। अब कैंग एंडिंग में विनर होगा। जी हाँ, अब ये पॉइंट कहीं ना कहीं सच हो जाता है क्योंकि आने वाली टाइम में जो एवेंजर्स मूवी आने वाली है कैंग डायनेस्टी, उसमें यही दिखाया गया है कि ये मूवी को बिल्डअप करने से पहले कैंग जितनी भी मूवीज आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, सब में विनर हो जाएगा। जैसे कि लोकी सीजन 2, एंटमैन क्वांटम मेनिया, लोकी सीजन 1 में भी हमें कैंग एज एक्चुअली में विनर ही दिखाया था दूसरी टाइमलाइन में। और उसी के साथ बात करी जाए आने वाली जो सीरीज आ रही है उनमें भी कहीं ना कहीं हमें कैंग की हल्की हल्की रेफरेंस दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे जरूर बताना, पर लोकी सीजन 2 में आपको कैंग विनर दिखाया जाएगा। अब बात करी जाए 4th अपडेट की, जो कि फाइनल अपडेट है बहुत ही कमाल का, जिसको सुनकर आप खुश होने वाले हो कि लोकी फाइनली रिटर्न हो रहा है अर्थ 616 में। अब एंडिंग में लोकी अर्थ 616 में दोबारा से चला जाएगा जबकि लोकी ऑलरेडी मर चुका है। तो आने वाले टाइम में जो सीक्रेट वॉर मूवी होने वाली है उसमें आपको लोकी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मूवी आ रही है सीक्रेट वॉर कोई वो छोटी मोटी मूवी तो है नहीं है। तो इसलिए केविन फाइगी ने फेज 6 तक अनाउंस कर दिया, इसलिए इतनी सारी सीरीज बनाई जा रही है जिससे कि सीक्रेट वॉर सेटअप हो। तो लोकी ऑलरेडी रिटर्न हो रहा है अर्थ 616 में। तो ये 4 अपडेट जो है मैं अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अपडेट आए थे, मैंने वीडियो बना दिया। अगर ये चारों के चारों कंफर्म हो जाते हैं तो लिटरली आप खुद अंदाजा लगाइए कि लोकी सीजन 2 कितना ज्यादा कमाल का होगा। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो लोकी सीजन 2 के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।